प्रसिद्ध तारा भौतिकवाद तथा जीवाणुओं के शोधकर्ता प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर अविनाश खरे को सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर टीके कॉल ने इस बात की पुष्टि की है कि खरे को उनका नियुक्ति पत्र मिल चुका है और वे 10 अक्टूबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। सिक्किम यूनिवर्सिटी में स्थायी कुलपति की नियुक्ति एक साल के अंतराल के बाद हुई है। इससे पहले प्रोफेसर टीबी सुब्बा सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। मौजूदा वरिष्ठ प्रोफेसर ज्योति प्रसाद तवांग यूनिवर्सिटी के सहायक कुलपति का पद संभाल रहे हैं। प्रोफेसर अविनाश खरे ने पीआरएल से सन 1984 में मिरर मशीन्स के क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। बाद में उन्होंने पीपीपी ज्वाइन की और उसके बाद आईपीआर, जहां वे साल 2000 तक बने रहे। प्रोफेसर खरे साल 2000 से 2002 तक पीएसएसआई के उपाध्यक्ष और साल 2010 से 2012 तक अध्यक्ष रहे। हाल ही में उन्हें इंडियन नेशनल साइंस अकादमी के बीरेन रॉय मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। इससे पहले वे होमी भाभा फेलोशिप अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन्फॉर्मिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द थर्ड वाइस चांसलर, परमानेंट वाइस चांसलर प्रोफेसर अविनाश खरे एज द वाइस चांसलर ऑफ सिक्किम यूनिवर्सिटी, having been appointed by the President of India in his capacity as visitor of the university. साल 2017-18 की कैग रिपोर्ट के मुताबिक बृहत्तर शिलांग जलापूर्ति परियोजना के फेज 3 के निर्माण में हो रहे विलंब की वजह से 131.84 करोड़ रुपयों का दुरुपयोग हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि JNNURM की समय सीमा के अनुसार संशोधन करने में असफलता के कारण भी 17.41 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है। परियोजना में रॉ वाटर पंपिंग सिस्टम के 2 चरणों का निर्माण, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने समेत अन्य शामिल है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार 132.65 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद और 5 साल से अधिक समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। हैरानी की बात है कि परियोजना से जुड़ी समस्याओं को स्वीकार करने के बावजूद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का प्रभार संभाल रहे मंत्री सामलीन मालनियांग ने न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि वे परियोजना के विलंब के कारणों का पता लगाने के लिए जांच बिठाएंगे। That is the main problem, how to complete this project as soon as possible. But as per my knowledge, I want to constitute also some inquiry to find out why this project is delayed. त्रिपुरा के धर्मनगर स्थित सोनारगांव गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापा मारकर प्राणजीत दास नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस युवक के पास से 3 फैक्ट्री मेड पिस्तौल, 25 कारतूस और 6 मैगजीन्स बरामद किए हैं। दोषी युवक प्राणजीत दास मधुपुर पुलिस स्टेशन इलाके के कमला सागर देवीपुर गांव का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान प्राणजीत ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वो गेस्ट हाउस में बंदूक लेने गया था। उसे सब रूम जेल में बंद उसके एक नजदीकी ने भेजा था। पुलिस ने दोषी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अधीन केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को संदेह है कि आरोपी हथियारों के बड़े रैकेट में शामिल है, इसलिए पुलिस ने उसको अदालत में पेश करके रिमांड की मांग की है। सोनारगांव होटल का 6 नंबर कमरा में मिला है लड़का को, तो उनका पास सर्च करने का बाद 3 पिस्तौल और 6 मैगजीन और 25 ताजा राउंड मिला है। तो उसका नाम है प्राणजीत दास। त्रिपुरा लैंड की मांग में आईपीएफटी के समर्थक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आईपीएफटी के कार्यकर्ता बुधवार को गोमती जिले के अंतर्गत उदयपुर के किला बाजार इलाके में भूख हड़ताल पर बैठ गए। आईपीएफटी के नेता कृष्णकांत जमातिया और अनंत हरि जमातिया ने हड़ताल की अगुवाई की। पार्टी के 100 से अधिक कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आईपीएफटी के नेताओं का कहना है कि जब तक त्रिपुरा लैंड की उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनका आंदोलन चलता रहेगा।